दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं रस की परिभाषा, रस के प्रमुख अंग और आपको इसमें रसस्थायीभाव किसे कहते हैं, उनके नाम बताएं, नाम लिखिए और इसमें रस के भेद तथा प्रत्येक का स्थायीभाव लिखना बताएंगे। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसमें से एक जरूर पूछा जाएगा आपको। तो देखो, मैं रस की परिभाषा क्या होती है। कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ते या सुनते समय, अगर अपन कोई कविता या कहानी या उपन्यास आदि को पढ़ें या सुनते समय तथा नाटक देखते समय पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। जैसे अपन कोई कविता, कछु कहानी देख रहा है, ठीक है, कछु भी चीज़ देख रहा है, नाटक देख रहे हैं, फिल्म विल्म देख रहा है, जो अपन आनंद मिला, जो अपना देख के उन्हें हंसी आउत, कछु भी हो मजा आओ, कछु भी हो दुख हो अपन का, जैसे कोई फिल्म ऐसे देख लेते हैं जिसमें रोने का सीन होता है तो अपन खुद रोने लगते हैं, तो इसमें जो अपन को देखते समय पाठक जैसे अपन देख रहे हैं वही पाठक हो, श्रोता हो या श्रोता बोल दो या दर्शक बोल दो, को जो आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। और रस कुल प्रकार, रस के प्रमुख अंग, रस के चार प्रमुख अंग है, देखो, स्थायी भाव और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी बोल सकते अपन। और स्थायी भाव किसे कहते हैं, उनके नाम लिखे। पाठक या दर्शक के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्वान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव। अब जैसे अपन देख रहे हैं अपने हृदय में जो स्थायी भाव मतलब इनके जी भाव बल है ना, स्थायी रहेंगे, विद्वान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार है, रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, ये सब उनके रहे हैं स्थायी भाव, जिनके हृदय में बने रहे। जैसे अपन का जो देख लो उसमें हंसी रहते, जो अपने अंदर विद्वान रहे हंसवे के गुण, ठीक है ना, ये चीज़ें होना चाहिए। अब रस के भेद लिखिए तथा प्रत्येक का स्थायी भाव। रस के भेद है श्रृंगार, सिंगर का क्या होता है रति, हास का हास, करुण का शौक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, भीष्म का जो गुस्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, ठीक है, जे आपकी चीज होते हैं। और विभाव किसे कहते हैं, जे भी देख लो, विभाव किसे कहते हैं, इसके भेद बताओ। वाहक या दर्शक के हृदय में स्थायी भाव सुप्त अवस्था में रहते हैं परंतु अनुकूल परिस्थिति होने पर भी जागृत हो जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव को जगाने वाले कारण विवाह कहलाते हैं। इनके दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन, तो ठीक है, आलंबन उद्दीपन इनके दो प्रकार। और अनुभव किसे कहते हैं, अनुभव जिस पाठक या दर्शक के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहा जाता है। आश्रय की भाव चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं, जैसे पसीना होना, रोंगटे खड़े होना आदि। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम। इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय श्री राम।